हेलो एंड वेलकम टू द सोशल इंडियन, आई एम आदित्य यादव। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाँ, हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस अगर आपने इस साल दिया था तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है और इस एग्जाम को दोबारा देने की सोच रहे हैं, या फिर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है 2020 में और इस एग्जाम को आप 2020 में देने के लिए सोच रहे हैं, तो दिस इज द वीडियो फॉर यू एंड दिस इज आदित्य यादव रिपोर्टिंग लाइव। यहाँ पर आपके लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये एग्जाम 2020 में देंगे तो इसकी तैयारी को आपको कैसे करना है। एक साल का आपके पास टाइम है और एक साल का टाइम इस एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि हलवा कम है, चम्मच बड़ी है और खाने में टाइम लगेगा कम। इसीलिए इस एग्जाम के लिए अगर हम कहें कि भाई टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए एक तैयारी की, तो एक साल का टाइम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप स्लो एंड स्टडीली तैयार करेंगे तो आप इस रेस को जरूर जीतेंगे। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, और अगर आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देखते हैं तो क्या होगा, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। और इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में कि आपको अभी क्या करना है, अभी किन चीज़ों पर फोकस करना है, 2 महीने बाद क्या करना है और 10 महीने बाद क्या करना है। इस वीडियो में हम आपको आखिरी में देंगे मास्टर टिप, जो है हमारी खासियत, और उस मास्टर टिप को आप जकड़ लीजिए, बांध लीजिए, तिजोरी में छुपा कर रख लीजिए, 2020 में निकालिएगा, लेकिन उस मास्टर टिप को आप जरूर निकालिएगा। अब जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप किसी भी एक किताब के भरोसे इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं। ये एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको जो एक चीज़ चाहिएगी, जो मैं पिछले विद्यार्थियों को भी कहता है और अभी भी कह रहा हूँ, वो चाहिए होगा कॉन्फिडेंस और पेशेंस। अपने ऊपर भरोसा रखिए और पेशेंस रखिए कि हाँ भाई, मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। फिर अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, फाइनल ईयर में हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको टाइम कम लगता होगा, लेकिन कुछ आदतें आपको ऐसी हैं जो शुरू से अभी से बनाकर चलेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम में बहुत फ़ायदा देंगी, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्लियर के लिए लेकिन आपके फैकल्टी आने के बाद भी आपकी आदतें आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज तो ये कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना आज से ही शुरू कर दीजिए। कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो अच्छी बात होगी, आपके एक ही बार में दो दो सेक्शन कवर होते हैं, इंग्लिश का भी और जनरल नॉलेज का भी। लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश बंगाली गुजराती मराठी कैसा भी पेपर पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने आप को अप टू डेट रखिए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, ताकि लास्ट मंथ में आकर आप ये ना पूछें कि कितने महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी होगी। अब दूसरी चीज जो आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए, जो भी आपको लगता है, एक नोटबुक बनाइए और उसमें रोज की 3 लीगल न्यूज लिखिए। अब 3 लीगल न्यूज कहां से आएंगी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं वो आप लिखिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा डीप में जाना है, बहुत ज्यादा इरेलेवेंट चीजें लिखनी है, जो एग्जाम में देखिए किस तरह के जजमेंट पूछे गए हैं उनको पढ़िए, उनको अभी से निकालना शुरू कर दीजिए, नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अभी से करेंगे तैयारी तो जीत होगी आपकी, बॉर्मिटा पिए या ना पिए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो तीसरी चीज़ जो मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करता हूँ करने के लिए, DU LLB के लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, वो है ये कि कंटिन्यूटी को बनाए रखें। कंटिन्यूटी इज़ द की। अगर आप एक दिन पढ़ते हैं और 10 दिन नहीं पढ़ते हैं, या फिर 10 दिन पढ़ते हैं और 11वें दिन नहीं पढ़ते हैं, तो वो 10 दिन की पढ़ाई का सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपको अगले दिन 0 से स्टार्ट करना होता है। और मैं ये मानकर चलता हूँ आप जितनी बार ब्रेक करेंगे इसको उतना ही आपका नुकसान होगा। कंटिन्यूटी को बनाए रखें, सीरीज़ को फोकस रखें। घोड़े को जैसे ऐसे बांध देते हैं कि भाई सामने देखना है तो सामने ही देखना है, ऐसे ही कंटिन्यू रहें, आगे बढ़ते रहें, बनते रहें। अब जो चौथी टिप हमारे पास आपके लिए होगी वो कि आप अभी से कहीं मत भागिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ मत भागिए कि भाई मेरे को पूरी साल की कोचिंग लेनी है, पूरा टाइम वाली कोचिंग लूँ, 5 दिनों वाली, वीकडेज वाली या वीकेंड वाली कोचिंग लूँ, टेस्ट सीरीज ले लूँ कि ना ले लूँ। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, 50-60 हज़ार तो मिनिमम लेने वाले हैं वो लोग, 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपये भी लेते हैं कि भाई आप कोचिंग कीजिए, उनको आप टेस्ट सीरीज भी देंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे, लेकिन क्या वो इतना वर्थ है? क्या इस एडमिशन के लिए आपको इतना पैसा लगाने की जरूरत है? अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन के या अगले साल के लिए, तो मैं मानूंगा, मैं सोचूंगा और जानूंगा कि आप इस एग्जाम को आराम से निकाल पाएंगे। अब
इस वीडियो की मास्टर टिप क्या होनी चाहिए। इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड स्वीट रख रहा हूं क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद ये था कि कई लोग ये कह रहे थे कि भाई आप 2020 के लिए बताइए, 2020 के लिए बताइए। तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देते हैं, जो जो लोग 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपके लिए बना दूंगा और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को देख लीजिएगा, जब आप वीडियो लाइक करें तो जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर ये बात होगी मास्टर टिप की, तो मास्टर टिप आपके लिए ये है कि अभी से फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई एक साल पड़ा है हमारे पास तो 2 महीने पड़े हैं, 10 महीने पड़े हैं। हाँ, रिलैक्स करना चाहे, एंजॉय करना चाहे, एंजॉय कर सकते हैं, पूरी छूट है, एंजॉय भी कीजिए लाइफ को। लाइफ एक ही बार मिलती है, ये टाइम भी दोबारा नहीं मिलता, और जिस एज में हम हैं उस एज में कई चीजें हमें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं इसी एज में, तो उसको मत खोइए। लेकिन एक सीरियसनेस दिखाइए अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप जैसे इस साल हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, काफी लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर अगर थोड़ी और तैयारी कर ली होती तो शायद ये पेपर आराम से निकल जाता। अभी तो रिजल्ट नहीं आया है लेकिन फिर भी लोगों के मन में ख्याल आने लग गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके मन में ख्याल ना आए, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि तैयारी कर लीजिए, शुरू कर लीजिए। यही है हमारी आज की मास्टर टिप, और इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। इस सीरीज का हम नाम रखेंगे मिशन DULLB 2020, यानी मिशन एडमिशन 2020। अब इस सीरीज की आगे की वीडियोस में हम आपसे मिलेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमें, तो आपका बहुत बहुत भला होगा। भारत माता की जय। जय हिंद।